क्या गाइस आप लोगों ने कभी नोटिस किया है? नहीं किया है तो भाई मैं बता देता हूँ, जब से स्काईलॉर्ड भाई गए हैं हर कोई फ्री फायर की कम्युनिटी में रोस्टर बनने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को स्काईलॉर्ड 2.0 समझ रहा है। बट ये बात अलग है, स्काईलॉर्ड के नाम में जो एल आता है वो उसके बराबर भी नहीं है। मतलब रोस्टिंग से जिसका कोई मतलब नहीं था, उनके कंटेंट में रोस्टिंग का कोई नाम ही नहीं था, वो भी आके यूट्यूब पे रोस्टिंग करने लग गए। अभी मैं लगभग 6-7 महीने से अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव नहीं था। अब उसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं यूट्यूब नहीं चलाता। मैंने यूट्यूब कितनी बार ओपन करके देखा, वहाँ पे मुझे एक लेडी मिली, मतलब एक लड़की मिली जो रोस्टिंग कर रही थी और एक्सपोज कर रही थी। और भाई लिटरली तुम लोग यकीन नहीं करोगे, वो अपने आप को स्काई लेडी बता रही थी और बोल रही थी मैं स्काईलॉर्ड की तरह एक्सपोज करती हूँ। और ये जितने भी लोग होते हैं ना एकदम से अचानक से आए कि भाई मैं एक्सपोजर हूँ, मैं रोस्टर हूँ, भाई ये लोग 6 मिनट के वीडियो में 5 मिनट का मीम्स टेम्पलेट चिपका के अपने आप को रोस्टर समझते हो ना, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। और एक गजब की बात और तुम लोगों को बताता हूँ, मैंने ऐसे ऐसे चैनल भी यूट्यूब पे देखे हैं जब वो किसी को एक्सपोज करते हैं तो उनकी ऑडियंस उनको स्काईलॉर्ड 2.0 बताती है। अब तुम लोगों को एक चीज और बताऊं, हमारी जो फ्री फायर की ऑडियंस है उसको छपरी और उसको बच्चे क्यों बताया जाता है? इसी वजह से बताया जाता है क्योंकि उनको समझ नहीं है, वे कुछ भी बोल देते हैं। वो एक ऐसे इंसान से कंपेयर कर रहे हैं जिसने पूरी कम्युनिटी में रुक्का मचा के रखा था अपने टाइम पे। अगर कोई गलत चीज करता था तो उससे पहले 3 बार सोचता था कि भाई स्काईलॉर्ड कम्युनिटी में है, तुरंत एक्सपोज कर दे। और एक चीज और बताता हूं तुम लोगों को, जब स्काईलॉर्ड भाई गए थे ना तब ऐसे कुछ इंसान भी थे जिन्होंने अपने चैनल में 5-5, 6-6 वीडियो डाली थी, वो भी मोनेटाइज फोन करके स्काईलॉर्ड के नाम, क्योंकि उस टाइम स्काईलॉर्ड भाई ट्रेंड में थे भाई, सब लोगों को पता था व्यूज आएगा, तो भाई बंदे को इतना भी शर्म नहीं था कि कोई इंसान चला गया है भाई 6-6, 5-5 वीडियो मत डालो मोनेटाइज ऑन कर। बट आज के टाइम में वही लोग अपने आप को स्काईलॉर्ड से कंपेयर करते हैं। और एक बात मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं और गारंटी ले सकता हूं कि भाई जितनी भी ये पिकाचू ऑडियंस है ना, जाके किसी के भी कमेंट सेक्शन में बोल देती है कि भाई आप लोगों में से स्काईलॉर्ड दिख रहा है, आप सेकंड स्काईलॉर्ड हो। और ये बात मैं उन्हीं बंदों को बोल रहा हूं जो ऐसा जाके कमेंट में बोलते हैं, वो तो कभी स्काईलॉर्ड के फैन हो ही नहीं सकते, ना तो थे ना है और ना कभी होंगे, क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं स्काईलॉर्ड की ऑडियंस जो है वो इस तरीके से कभी किसी को बोलेगी नहीं, क्योंकि भाई उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट थे। अब यहां तो हो गई कनेक्ट वाली बात, बट मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं कि आप लोगों को पता है हमारी फ्री फायर की कम्युनिटी में लोग अपने सब्सक्राइबर सिंपैथी और अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कितने पागल है। अब तुम इसी टाइम पे अगर किसी क्रिएटर का कंपेयर हमारे स्काईलॉर्ड भाई से कर रहे हो और अगर इस बात का उसके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया और इस चीज का वो इतना फायदा उठाएगा कि तुम लोग सोच भी नहीं, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि उसके पास जीती जागती ऑडियंस है जो उसको सिंपैथी गेन दे रही है, वो भी स्काईलॉर्ड भाई के नाम पे। और अगर मैं तुम लोगों को इस चीज का उदाहरण देने पाऊं तो आप लोगों को पता होगा स्काईलॉर्ड के बाद यहाँ पे अगर जिन लोगों ने जब सबसे ज्यादा सिंपैथी गेन की थी तो वो हमारी कम्युनिटी में 2 सबसे बड़े यूट्यूबर थे, वो था एक बिट्टू व्हाइटी, एक था बोस ऑफिशियल। बिट्टू व्हाइट तो चलो किसी तरीके से अलग हो गया, बट यस ऑफिशियल मतलब यस बोस व्हाइटी आज भी इतनी सिंपैथी लेता है स्काईलॉर्ड के नाम पे काफी ज्यादा। और इसका सबसे बड़ा रीजन है आप लोग मतलब ऑडियंस, क्योंकि तुम लोगों ने इतना सिंपैथी दिया। जब स्काईलॉर्ड भाई गए थे तब भी उसके कमेंट में भर भर के वो इतनी वीडियोस बनाता था, एक वही ऐसा बंदा था। स्काईलॉर्ड भाई जाने के बाद उसने इतना वीडियो बनाया था मोनेटाइज करके काफी ज्यादा, और जब बंदों ने उसको हेट देना स्टार्ट किया था तो उसने सिंपैथी गेन स्टार्ट कर दिया। और देखो जिस प्रकार से हमारी फ्री फायर की कम्युनिटी का रेपुटेशन बना हुआ है उस हिसाब से मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूं, गारंटी ले सकता हूं कि आप लोगों के इस तरीके के कंपैरिजन की वजह से कोई भी इस चीज को पॉजिटिव वे में नहीं लेगा, 99% इस चीज को लोग ना नेगेटिव वे में लेंगे, और सिर्फ तुम लोगों से वो व्यूज और सिंपैथी लेंगे, इसके बदले में तुमको अच्छा तो कुछ मिलने ही नहीं वाला, बस वो तुमसे सिंपैथी और व्यूज लेके जरूर चले जाएंगे। बस मैं तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई तुम लोग किसी भी क्रिएटर का कंपेयर स्काईलॉर्ड से मत किया करो, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं मुझे तो लगता नहीं है कि किसी का भी कंपेयर स्काईलॉर्ड से किया जा सके। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर तुमसे फिर कंपेयर करते हो किसी भी क्रिएटर से स्काईलॉर्ड भाई का तो भाई तुम लोग पिकाचू हो, मुंह पे बोल रहा हूं, क्योंकि जितना कुछ वो बंदा करके गया है कम्युनिटी के लिए उतना तो कोई भी करेगा नहीं, अगर करेगा ना तो सिर्फ स्कैम ही करेगा जैसे कि आज लोग कर रहे हैं। क्योंकि भाई इस कम्युनिटी को देखते देखते मुझे भी 3-4 साल हो चुके हैं, मैं सच बता रहा हूँ ये कम्युनिटी बहुत ज्यादा गंदी है, बहुत ज्यादा गंदी। अपने फायदे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी आप लोगों से करवा सकते हैं। और तुम्हें जीता जागता उदाहरण दूं इस वीडियो में भी कि मैंने ऐसा क्यों बोला, तो भाई मेरी लास्ट वीडियो देखना था जो मैंने कल परसों डाली है, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। होप करता हूं तुम लोग ये बात समझ जाओगे, अगर नहीं समझे तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं। अगर तुम लोगों को किसी भी यूट्यूबर का एक्सपोज वीडियो या रोस्ट वीडियो देखना पसंद है तो उसको उसी लैंग्वेज में लो जिस लैंग्वेज में वो करता है, कभी भी उसको कंपेयर मत करो, अगर कंपेयर करोगे तो ये गलत बात है। जिस तरीके से वो रोस्ट करता है एक्सपोज करता है उसको उसी तरीके से लो और उसकी तारीफ कर दो अगर तुम्हें अच्छा लगता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको स्काईलॉर्ड से कंपेयर करके उसकी तारीफ करो। तो उम्मीद करता हूं गाइस ये बातें तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, आप लोग किसकी भी ऑडियंस हो, मेरी हो या किसी की भी ऑडियंस हो, तुम लोगों को ये बात समझनी है और शायद आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। बस मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं अगर आप लोग मेरे से भी बात करना चाहते हो या थोड़ी बहुत अर्निंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम का भी लिंक है वो भी ज्वाइन कर लेना, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना। हम तोड़ गए जब तुम झुके, जब तुम झुके तब से तुम नजर में आ रुके।
हम तो हो गए जमा धीरे धीरे मालामाल अब तो होना है वही जो बनाए जहां हम तो हो गए जमा धीरे धीरे मालामाल अब तो होना है वही जो बनाए जहां।